की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, भगवंत मान दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद वो अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे और फिर आईटीओ में चल रहे प्रदर्शन में वो शामिल होने जा रहे हैं। आप एक तरफ देखिए, पहले दिल्ली सरकार, सभी मंत्री, सभी कार्यकर्ता इस जंग में कूदे और अब पंजाब की पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार, उसकी पूरी ताकत, उसके पूरे रिसोर्सेस को अब इस लड़ाई में उतारा जा रहा है। अगर बात करें, अब से थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के दो नेताओं को हिरासत में लिया गया और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भगवंत मान इस प्रदर्शन में शामिल हो पाएंगे। भास्कर, पहले तो आप ये बताएं कि जो दो नेता इस प्रदर्शन में पहुंचे थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, क्या भगवंत मान इस प्रदर्शन में शामिल हो पाएंगे? क्या बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के द्वारा जो पंजाब यूनिट है उसको मैसेज दिया गया था और सुबह सुबह ही पंजाब सरकार के दो मंत्री, शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस और उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह हैं, ये दोनों पार्टी दफ्तर पहुंचे थे और उसके बाद यहां से पैदल चलते हुए आईटीओ के चौराहे पर गए, वहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए, वहाँ पर इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बाय रोड चंडीगढ़ से निकल चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुँचे, वहां पे परिवार से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर से वो भी इधर आएंगे। जो प्रदर्शन यहां पे अभी आईटीओ पे चल रहा है, ये अभी खत्म नहीं होने वाला है, ये मान के चलें। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हुई थी, जब तक वो कोर्ट पहुंच नहीं जाते हैं और कोर्ट से वापस नहीं चले जाते हैं, तब तक लगातार कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा हुआ रहता है और वो सिलसिला अब भी इस इलाके में जारी रहेगा। आईटीओ पे जो प्रदर्शन चल रहा है उसके साथ साथ कोशिश ये है कि डीडीयू मार्ग के किसी दूसरे रास्ते से इन कार्यकर्ताओं को नहीं पहुंचने दिया जाए। सवाल ये है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री है, वो केवल आम आदमी पार्टी के एक नेता नहीं है, वो एक राज्य का फेस है, तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि इस वक्त आम आदमी पार्टी की टोटल स्ट्रेंथ हम सड़कों पर देखने जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा भगवंत मान होने जा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद कोई बड़ा और करिश्माई नेता उस पार्टी के लिए कोई है तो भगवंत मान है, और वो भगवंत मान भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं और ये कोई पहला मौका नहीं होगा। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, तमाम नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे सीबीआई हेडक्वार्टर से पहले, उनको रोका गया था और वहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठे रहे, उनके साथ तमाम सिक्योरिटी का अमला होता है वो भी वहाँ पर बैठी रही, लेकिन वहाँ पे प्रदर्शन में वो शामिल हुए और ये माना जा रहा है कि एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फैमिली से मुलाकात करने के बाद वो यहाँ पहुँचेंगे और इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे और ये मैसेज देंगे कि आम आदमी पार्टी में चाहे बड़ा से बड़ा नेता हो या कार्यकर्ता हो, हर कोई सड़क पे है। ये एकजुटता दिखाने की का भी मौका है आम आदमी पार्टी के लिए कि जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया के लिए पार्टी के कार्यकर्ता